गुजरात चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर दो चरणों में मतदान होगा और 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले चरण के लिए अधिसूचना 5 नवंबर को और दूसरी 10 नवंबर को जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की ओर से सब कुछ उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं, हालांकि अभी तक इनकी घोषणा नहीं की गई। वहीं आम आदमी पार्टी 12 सूचियों में तकरीबन 125 उम्मीदवारों को ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस में भी प्रत्याशियों के लिए चयन के लिए गहन मंथन चल रहा है। ऐसे में देवगढ़ बारिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बच्चू भाई मगन भाई खावड़ा ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के बाखला भरत सिंह प्रताप भाई दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में देवगढ़ बारिया में कुल 59.26% वोट पड़े थे। आपको बता दें कि साल 2012 में देवगढ़ बारिया विधानसभा सीट पर बच्चू भाई मदन भाई में 1,13,000 वोट पाकर एनसीपी के भूपेंद्र सिंह चौहान को 29,000 वोटों के अंदर से हराया था। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर अब तक 2 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 1 बार 2007 में एनसीपी को जीत मिली। 2002 में बीजेपी के बच्चू भाई ने जीत दर्ज की थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में देवगढ़ विधानसभा सीट दाहोद जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो कि राजनीतिक समीकरण के लिहाज से बेहद अहम है। दाहोद जिले में 75% आदिवासी हैं। इसमें सबसे ज्यादा भील और पटेलिया समुदाय के आदिवासी रहते हैं, इसलिए देवगढ़ बारिया में आदिवासी वोटरों का भी दबदबा है। इस सीट पर कुल 2,58,908 मतदाता हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन धर्म आदि के मतदाता हैं। इनमें 1,28,464 पुरुष मतदाता हैं और 1,30,442 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में जीत कराने में सक्षम हो पाई है। गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं दाहोद जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट के बारे में। ये सीट है देवगढ़ बारिया विधानसभा सीट, जो कि राजनीतिक समीकरण के लिहाज से बेहद अहम है। बात अगर इस सीट पर लोगों की समस्याओं की करें तो कई क्षेत्र पिछड़े हैं। बुनियादी सुविधाओं जैसे परिवहन, पेयजल, किसानों को सिंचाई का पानी, चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा की कमी के कारण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि नेता चुनाव के समय आते हैं, इसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ते। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे आशीर्वाद देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार इस सीट पर चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में अमित शाह ने कमर कस ली है, बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों हुई उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई थी। शाह ने बूथ स्तर तक पहुंचने और किसी भी पात्र व्यक्ति के न छूटने की बात कही है। माना जा रहा है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में एक बार फिर जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। देखना होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को लोक लुभावन वादों का फायदा मिलता है या भाजपा को जीत मिलती है। अब एक नज़र डालते हैं गुजरात में विधानसभा पर। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति व आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित हैं। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी, 1 सीट एनसीपी को मिली थी। बाकी 3 सीटों में निर्दलीय जीते थे। गुजरात में लंबे समय से चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।